Hello and welcome to another edition of Punjab Insights. I'm Swati Bhan. We are discussing different aspects of the Punjab farmers' protest and reaching out to people belonging to different areas in this regard. For this week, we have Mr. Pranav Rai, advocate with the Punjab and Haryana High Court. Pranavji will tell us or explain to us about the legal route, if any, that the farmers can take against this bill or for this bill, depending on which side of the table they are. Welcome to the show, sir. Hello. Hi to everyone. Sir, is agitation ko 20 din hone ko aaya abhi aur दोनों तरफ से अपने अपने जगह पे लोग मान रहे कि वो सही है. सरकार को लग रहा इस बिल से किसानों को एडवांटेज होने वाला है. किसान को लग रहा है कि उनको इस बिल से नुकसान ही नुकसान है, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा के. तो इस पूरे मुद्दे में कहीं लीगल रूट आपको दिख रहा है? लीगली आप थोड़ा बता सकते हैं दर्शकों को इसके बारे में कि क्या कहां पे अटक गई है बात? देखिए, मैं सारे फॉलो कर रहे हैं, न्यूज को कर रहे हैं, सब कुछ. अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बात मेरिट्स और डीमेरिट्स से ऊपर ही उठ चुकी है. जी जी. लोगों के सरकार ने पहले बहुत समझाना चाहा, उन्होंने अपनी टीम्स भी बनाई बीजेपी ने कि घर घर जाके समझा के आइए, लेकिन उनकी कोई मेरिट्स या टीम मेरिट्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ है. अब जो है इसके ऊपर अगर लीगल की हम बात करें, देखिए एक बिल है जब पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी है, तो अब वो एक बिल तो बन चुका है. अब उसकी मेरिट लीगल जो है, लीगल यही है कि जो अब अमेंडमेंट्स हैं, सरकार तो ये कह रही है कि आप अमेंडमेंट्स करवा लीजिए, जितनी आपने अमेंडमेंट्स करवानी है आप करवा लीजिए. अब ये जैसे इनके मैंने किसान लीडर हैं यूनियन के, उनकी मैंने कईयों की स्टेटमेंट सुनी है जो वहाँ पे मीटिंग्स पे गए हैं, तो सारे यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज अगेन एंड अगेन आस्किंग अस कि आप इसमें से सब कुछ ही निकाल दीजिए, चाहे मतलब आपने जो अमेंडमेंट्स करवानी है. अब एक तरफ वो भी किसान भी अपनी जगह ठीक है कि अगर आप बिल के अंदर कुछ रखना ही नहीं चाहते तो बिल को ही क्यों रखना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू टेक आउट द सोल फ्रॉम द, आपकी आत्मा ही आपने बिल की बाहर निकाल दी, एक बिल की या आदमी की, तो व्हाई यू वांट टू कीप द बॉडी, तो आप उसको भी खत्म कर दीजिए. अब यही है जो इनकी आपस में, अब कौन किसको समझाए, ये जनता ही कोई इसके फेवर में है कोई फेवर में नहीं है. सर, पर फार्मर्स के पास प्रोटेस्ट, तो चलो प्रोटेस्ट अपनी जगह, आंदोलन अपनी जगह, उनकी डिमांड अपनी जगह, पर उनके पास लीगल ऑप्शन क्या है इस चीज को आगे ले जाने के लिए? अगर कोई यूनियन इसको लीगली फाइट आउट करना चाहता है तो उनके पास लीगल ऑप्शन इस बिल के खिलाफ क्या है? मैम, ये वैसे 16 तारीख को ये सब ज्यूडाइज हो चुका है मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने 16, अगर आपको मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन होगी, 16th को सुप्रीम कोर्ट में पीएएल फाइल हुई है, 16th की उसकी डेट है. अब 16th को जो किसान यूनियंस हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कोई गया नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि, एंड जो उनकी मेरे को बातों से मतलब नजर आ रहा है कि दे आर नॉट, मतलब उनको लग नहीं रहा कुछ फेवरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिलना है उनको. मैं तो कई बार अपने दोस्तों को कहा है कि जो एवरेज माइंड होते हैं ना पॉलिटिक्स में, एवरेज, वो दे सीक फॉर एमएलए टिकट और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल टिकट्स की हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जो फाइनेस्ट ब्रेन्स होते हैं पॉलिटिक्स में, वो या तो सीधा राज्यसभा नॉमिनेशन होती है या फिर वो डायरेक्टली एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट को. जो मैटर गवर्नमेंट, ये नहीं मैं इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, शुरू से अगर हम देखते हैं जो मैटर पॉलिटिकली उनसे हैंडल नहीं होता, देन दे लुक सुप्रीम कोर्ट की तरफ या कोर्ट्स की तरफ देखते हैं. तो 16th को ऑलरेडी ये सब्जुडाइज हो चुका है मैटर, तो अब देखते हैं उसमें से इनको क्या लीगल इनको कुछ मिलता है फेवरेबल, या गवर्नमेंट के फेवरेबल होता है या किसानों के हक में आती है बात, ये तो अब 16th को ही पता लगेगा.
सर एक मतलब मैं ऐसा एक सिनेरियो अगर रखे 16 के बाद अगर ये डिसीशन जो भी हो जो भी उच्च न्यायालय ले अगर ये डिसीशन फार्मर के खिलाफ आता है तो फार्मर यूनियन क्या कर सकती है? ये मैडम बड़ा ही मतलब ये सोच के भी डर लगता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो इस समय हालात बने हुए हैं हमारी कंट्री के और स्पेशली पंजाब, पंजाब में आपको पता है बॉर्डर स्टेट है और एक देखा जाए तो एक रिलीजियस वो भी है, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स ये कर रहे हैं और आपको पता है पंजाब में थोड़ा माहौल तनावपूर्ण तो हुआ हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत तनावपूर्ण हुआ हुआ है, अभी तक तो भाईचारा बना हुआ है और हम सारे चाहेंगे भाईचारा बना रहे। 16 के बाद अगर फेवरेबल नहीं आता तो देखिए जो इनकी मैंने देखा है जो लीडरशिप है किसान यूनियंस की वो बड़ी मैच्योर है, वो तो अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाने को कहेंगे और ना ही उठाने देंगे, लेकिन आपको पता है बीच में शरारती तत्व हर जगह होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो उनका क्या हो जाए, भीड़ का देखिए दिमाग नहीं होता, भीड़ के ऊपर भीड़ का कुछ नहीं पता, वी कांट सी एनीथिंग अबाउट मॉब। सर तो फार्मर यूनियन के अलावा जो लोग इनके साथ जुड़े हैं अगर इन लोग कोई लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहे, जैसे बहुत सेलिब्रिटीज जुड़ गए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ गए हैं, तो फार्मर यूनियन के अलावा अगर ये अदर पार्टीज जिसको हम बोल सकते हैं, ये अदर पार्टीज कोई लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है इन फेवर ऑफ द फार्मर्स कि ये 16 को ही मतलब बात खत्म हो जाने की बात है? 16 को देखिए सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है, उसको स्टक डाउन तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो अगर जब हम लीगल हम देखा जाए तो लीगल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही हाथ में है कि वो इस बिल को स्टक डाउन कर सके। सुप्रीम कोर्ट फॉर द मीनवाइल ये जरूर कर सकती है कि इसको स्टे कर दे, अगर वो स्टे भी कर देती है आज की डेट में तो वो भी मैं कहूंगा तो किसानों के वो हक में वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बिना अमेंडमेंट्स के वो स्टे हो गया, आज तो सरकार अमेंडमेंट्स मान रही है कि उसमें से जो मर्जी कर लीजिए। पर सर अगर स्टे कर देते हैं, अगर स्टे कर देते हैं तो ये फिर से वो स्टेटस को वाली बात है, जो फार्मर्स जैसे थे वैसे ही हो जाते, तो इन अ वे तो फेवरेबल हुआ अगर स्टे हुआ तो। अब यही है ना, देखिए वही आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, ये तो अब मैं वही कह रहा हूँ, ये तो उनके नेताओं के ऊपर देखने वाला है, उनको सोचने वाली बात है, और या जो लोग हैं वो सोचेंगे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो हरेक का अपना नजरिया है कि वो इसको ऐसे जीत। लेकिन आज का अगर हम देखा जाए तो आज के हिसाब से जो किसान है वो जीते हुए हैं, उनको अपनी जीत स्वीकार करके अपने घर लौट जाना चाहिए। मगर अगर हम किसान नेताओं की बात करें, मैं फिर आपको मतलब हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखें ना, हम दोनों की हमारे को आर्गुमेंट सुनने चाहिए, क्योंकि बीइंग अ लॉयर मैं दोनों के आर्गुमेंट्स बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूँ। अब जो किसान यूनियंस के नेता है वो कह रहे हैं जी हमारे को अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं, पब्लिक क्वेश्चन कर रही है कि जब सरकार आपकी सारी मांगों के लिए रेडी हो गई है कि आपने जो अमेंडमेंट्स करवानी है आप करवा लीजिए और अपना इस आंदोलन को बंद कीजिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर अमेंडमेंट्स आज मान भी लें तो ये अमेंडमेंट्स को नल कर मतलब उनको खत्म करने के लिए एक नोटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है और जो अमेंडमेंट्स हुई है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो एक बिल होता है, अगर बिल खत्म होता है बिल, तो उसको दोबारा पास करने के लिए आपको पता है बिल का एक प्रॉपर प्रोसेस है, टेबल होता है, दोनों हाउसेस में पास होता है, डिबेट होती है और प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसका एक प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। लेकिन एक अमेंडमेंट्स को जो अमेंडमेंट्स हैं उनको खारिज करने के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन चाहिए, ये है जो किसानों की तरफ से आर्गुमेंट आ रहा है। अब ये पब्लिक देखेगी या सुप्रीम कोर्ट के पास अब पिटीशन पीएएल पेंडिंग है, अब वो हमारे ऑनरेबल जजेस देखेंगे कि किनकी दलील है वो ज्यादा लीगली उनको सही लगती है।
ठीक तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि या तो हम होपफुली 16th का वेट करें कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से इंटरवीन करे इसका एक डेडलॉक खत्म करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह से सरकार और फार्मर्स दोनों तरफ से बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, ये डेडलॉक खत्म होने के रास्ते पे तो नहीं है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा इन्होंने, मैं कहूंगा उनके 16th इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 16th जी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इस आंदोलन के लिए। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट, अब लास्ट देखिए इनका डेडलॉक जो है, अब ना तो सरकार की तरफ से कोई नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनविटेशन आई है, ना इनविटेशन ही इनकी तरफ से कोई पहल हुई है कि आगे कोई बात करने के लिए। ये तो दोनों ने कह दिया ना ना, दोनों अपनी बातों पे अड़िंग हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का 16 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को यही है कि हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, जो राइट होगा वो करेंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आके कोई, या कॉर्पोरेट प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले। जी जी ओके मिस्टर राय, मैं थैंक आपको यू एक और वेरी कहूंगा मच। मैडम, यहाँ पे नहीं मैम, एक मैं आपको एक और बात कहूंगा कि हर बात लीगल नहीं होती है। अगर हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट लीगली देखे राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लॉ इज फॉर द पीपल, आपको पब्लिक की ओपिनियन भी दिमाग में रखनी पड़ती है। पॉपुलर हाँ, ओपिनियन जो कहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ये देखें कि लीगली क्या राइट है, वो ये देखें कि भारत के लिए क्या राइट है। जी। ओके हाँ मिस्टर जी, राय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। आई होप 16th इज द डेट विच सीज सम काइंड ऑफ एन एंड और डेडलॉक एंडिंग टू दिस होल प्रोसेस ऑफ एजिटेशन, एंड वी कम अक्रॉस टू सम काइंड ऑफ अ फेवरेबल डिसीजन विच इज फेवरेबल फॉर द फार्मर्स, फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कंट्री एज अ होल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बिल्कुल दिस मैम, थैंक एडिशन। थैंक यू सर। यू मैम, थैंक यू। हक दे सच दी खबर ले लाइक दिस सब्सक्राइब करो पंजाब द नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट न्यूज।